तिलक हिंदी और जनसंचार की श्रृंखला में हमने सबसे पहले परिधि और अभिप्राय पर बात की थी। प्रयोजनमूलकता का अर्थ क्या है, कोई भी भाषा मानक भाषा बनकर किस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संप्रेषण का माध्यम बनती है, उसकी कितनी परिधि है और उसका अभिप्राय क्या है, इस सब पर विमर्श हुआ था। इस आधार भूमि को निर्मित करने के उपरांत भाषा के विविध रूपों पर हमने विचार किया था। इन विविध रूपों में बोली रूप प्रमुख होता है, जो वाक भाषा का ही एक रूप होता है, लेकिन जब भाषा का लिखित प्रयोग आरंभ हो जाता है वो मानक भाषा बन जाती है और उसके लिखित रूप में एक लिपि का भी प्रयोग होने लगता है। बोली और भाषा में क्या अंतर है, भाषा के विविध रूपों में हमने इस पर विचार किया और हिंदी के शब्द समूह पर भी हमने बात की थी। जनसंचार हमारी अगली श्रृंखला के अंतर्गत था, इसे हमने तीन भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले सृजनात्मक भाषा, जिसका प्रयोग हम साहित्य में करते हैं। ये कहा जाता है कि साहित्य अंतर्वृत्तियों और सहजानुभूति की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है और इसलिए आदिम मनुष्य ने सबसे पहले संवेदना के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की थी। हमारे हिंदी साहित्य में ये अभिव्यक्ति अमीर खुसरो से आरंभ होती है और संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि से। सृजनात्मक भाषा के संवेदनात्मक आयामों पर विचार करने के उपरांत हम इस मीडिया युग में संचार भाषा पर आए और संचार भाषा को लेकर मुद्रण माध्यम, श्रव्य माध्यम, श्रव्य और दृश्य माध्यम के विविध आयामों के अंतर्गत हमने संक्षेप में इस मीडिया या संचार की भाषा पर विचार किया था, जिस पर विस्तार से भी हम अलग अलग विचार करेंगे। अखबार की भाषा पर अलग से विचार करेंगे, रेडियो और टेलीविज़न की भाषा पर अलग से बातचीत होगी। इसके उपरांत राजभाषा पर हम आए, क्योंकि मुख्य रूप से प्रयोजनमूलक हिंदी का जो आरंभ हुआ है वो राजभाषा के रूप में हुआ है। हमने स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और ये केंद्र की राजकाज की भाषा है। इसमें इसके लिए शब्दावलियों का निर्माण किया गया है, प्रशासनिक शब्दावली का व्यापक रूप से निर्माण हुआ है, जिससे कि मानक भाषा के रूप में एक रूपता की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग किया जा सके। इन सब विवेचनों के उपरांत आज हम कंप्यूटर और हिंदी या हिंदी कंप्यूटर कंप्यूटिंग पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का ही युग है। विदेशों में तो सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं, भारत में भी बहुत तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है और विश्वविद्यालयों के बड़े संस्थानों में, बड़े कार्यालयों में, प्रशासनिक दफ्तरों में, इन सब में कंप्यूटर का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है और इसलिए कंप्यूटर और हिंदी को साथ लेकर विस्तार से बातचीत की जा रही है। कंप्यूटर के संबंध में कहा जाता है कि कंप्यूटर की भाषा अंग्रेजी है। ये कहने की बजाय ये कहना अधिक उपयुक्त है कि कंप्यूटर की लिपि रोमन है। रोमन में अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अधिकांश भाषाएं लिखी जाती हैं। इसलिए जहां तक भाषा प्रौद्योगिकी पर बात करने का सवाल है, हमें उसकी जगह लिपि प्रौद्योगिकी पर बात करना चाहिए, क्योंकि एक लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं, ये यूरोप की भाषाओं से प्रमाणित हो जाता है। भारत में हर भाषा के लिए अलग लिपि का प्रयोग किया गया है और इसलिए भाषाओं के एक दूसरे से अंतर संबंधों में बहुत बड़ा व्यवधान भी उत्पन्न हुआ है। इसके लिए कोशिशें की गई थीं लेकिन बाद में विठंडी पड़ गई और हमारे यहाँ लगभग 16 लिपियाँ हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि कंप्यूटर के प्रयोग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। यहाँ तक होता है कि हिंदी को भी हम रोमन लिपि में लिखने लगते हैं, जो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। अतः किसी भी भाषा के लिए लिखित रूप में उसके लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली लिपि है उसका ही प्रयोग हो, और हिंदी और कंप्यूटर के संबंध में हम हिंदी की
उस लिपि पर ही अधिक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसके संबंध में अनेक प्रकार के कंप्यूटर्स में उसके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। राजभाषा हिंदी का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर बहुत आवश्यक हो गया है। आजकल वैसे भी देखिए आप, टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ही रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जितनी सुविधाएं हैं और किसी में नहीं हैं, और बहुत आसानी से यह हमें उपलब्ध हो जाता है। कई बार आग्रह किया जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें जिस नाम से बनी हैं उसी नाम से उन्हें दूसरी भाषाओं में भी अपनाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर को हम संगणक कह देते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में परिचित नामों का व्यवहार करना आवश्यक है। इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन बहुत प्रचलित शब्द हो चुके हैं, फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न जो जिस रूप में हमारे सामने आए हैं, अगर इसी को हम अपना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और इसी कारण मैं इस पूरे व्याख्यान में कंप्यूटर शब्द का ही प्रयोग करना उचित समझता हूँ, क्योंकि संप्रेषण की दृष्टि से यही अत्यंत आवश्यक है। मीडिया के इस युग में हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे हैं। हिंदी में अभी हार्डवेयर में कीबोर्ड की सुविधा नहीं है, और इसलिए कहा जाता है कि इनबिल्ट कंप्यूटर्स अभी हिंदी में बनना बाकी है। अंग्रेजी या रोमन का जो कीबोर्ड है उसी पर नागरी का कीबोर्ड बन जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उसकी वर्णमाला को हम उस पर चिपका देते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि रोमन में ही क्यों हिंदी को हम नहीं लिखते, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि रोमन में वर्णमाला के जो शब्द हैं उनमें महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग से प्रतीक चिन्ह ही नहीं है। यदि हमें खा लिखना हो तो हमें के एच का सहारा लेना पड़ेगा, और इसलिए हिंदी की जो अक्षर लिपि है या नागरी वर्णमाला है संविधान में, उसी को ही स्वीकृत किया गया है और कहा गया है कि अगर हिंदी राजभाषा है तो उसकी लिपि देवनागरी होगी, जिसे हम नागरी भी कह सकते हैं संक्षिप्त में। अतः हिंदी को नागरी में लिखना ही आवश्यक है, वही उसकी प्रकृति के अनुरूप है, वही संविधान में स्वीकृत है, वही एकरूपता की दृष्टि से आवश्यक है, और इसीलिए कंप्यूटर के संबंध में बात करते समय नागरी वर्णमाला की बात करना ही आवश्यक है। कंप्यूटर के सर्किट, जिसे हिंदी में परिपथ कहा जाता है, के स्विच और उनमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनिक आवेग उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारा मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक दिमाग भी कहा गया है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है। अब तो यह भी कहा जाता है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसे हम कंप्यूटर के साथ रख सकते हैं। साहित्यकारों ने भी, या साहित्य में भी अब बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि क्यों ना साहित्य को साइबरनेटिक्स से जोड़ दिया जाए। साइबरनेटिक्स साइबर शब्द से निकल गया है, और उसमें कहा गया कि जितने बारीक तंत्र हमारे कंप्यूटर में होते हैं उससे अधिक बारीक तंत्र हमारे दिमाग में होते हैं। लेकिन ये माना गया है कि दिमाग और कंप्यूटर की तुलना करने के बाद भी हम इस बात को नहीं भूल सकते कि दिमाग मशीन नहीं है, मशीन जैसा है, और कंप्यूटर मशीन है, दिमाग जैसा भले ही हो लेकिन वो दिमाग नहीं है। इस अंतर को समझना बहुत ही अधिक आवश्यक है। कंप्यूटर की तकनीक को जानना अब उन सब लोगों के लिए अब जरूरी हो गया है जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कार्यालयों में काम करते हैं, और राजभाषा के रूप में, संचार भाषा के रूप में, सृजनात्मक भाषा के रूप में मानक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हम पहले देख ही चुके हैं कि फंक्शनल, जो व्यवहार में लाई जा रही है, जिसे हम काम में ला रहे हैं, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। कंप्यूटर में जो इनपुट आगत होते हैं, आने वाले आउटपुट निर्गत, उसमें कीबोर्ड और माउस जरूरी हैं, और वो सूचनाओं को इसमें भरते हैं, इसके परिणाम आउटपुट में मिल जाते हैं, जिसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स के नाम से जाना जाता है। इन शब्दों को, जो तकनीकी शब्द हैं, उनको उसी रूप में हम हिंदी में लेते हैं, उसको अनावश्यक रूप से उसका हिंदीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। राजभाषा में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग टाइपिंग है, और इस तरह कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह ले ली है। लेकिन क्या कंप्यूटर टाइपराइटर है? नहीं, टाइपराइटर उसका एक बहुत छोटा सा भाग है, केवल टाइपिंग वाला भाग ही उसका टाइपराइटर है। यह एक ऐसा मिलाजुला उपकरण है जिसमें एक सुपर कैलकुलेटर, टाइपराइटर और टेलीविज़न भी होता है। इसमें स्वचालित अभिप्रायों वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया रहती है, और कंप्यूटर के निर्देश पहले से निर्धारित आधारों पर चलते हैं। ये जरूरी है। निर्देश दे दिए जाते हैं,
निर्धारित उसकी एक प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर की प्रक्रिया बड़ी निर्धारित होती है, जैसे गणित की होती है ना, गणित में जितने भी कैलकुलस और बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं बहुत अधिक निर्धारित होती हैं, क्योंकि अगर वो निर्धारित नहीं होंगी तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। यदि इसमें गलत निर्देश हुए तो बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है। मैंने एक फिल्म देखी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शंस पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर, और वो आपने मुझसे अधिक देखी होगी क्योंकि युवा पीढ़ी तो फिल्में अधिक देखती है, और उसमें बताया गया था किस तरह वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में एक साजिश के अंतर्गत आंकड़े इधर के उधर कर दिए गए और जो व्यक्ति चुनाव जीतने वाला था वो चुनाव हार गया। बाद में जिस व्यक्ति ने इन आंकड़ों को पकड़ा उसने बताया कि वास्तव में चुनाव कौन जीता था, लेकिन चूंकि वो अमेरिका है इसलिए राष्ट्रपति जो चुना गया था उसने बाकायदा त्यागपत्र दिया, और जिसे राष्ट्रपति चुना गया था उसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वहाँ कोई बहस नहीं हुई। इसे एक साजिश माना गया कंप्यूटर की। कंप्यूटर में अगर आप वित्तीय आंकड़े भर देते हैं और उनमें भी अगर इनपुट आउटपुट बराबर बराबर नहीं हो तो वो आंकड़े इधर के उधर बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर के प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है। बाद में इस गलती को ठीक किया जा सकता है, और वित्तीय संख्याओं में अगर गड़बड़ कर दी जाए तो हम अमीर को गरीब बना सकते हैं और गरीब को अमीर बना सकते हैं, लेकिन वो गरीब तो गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। मशीन पता नहीं कितने गड़बड़ काम भी कर सकती है। जो मशीन हमारे लिए सबसे बड़ी सहायक है, जिस कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया चल रही है, इंटरनेट आ गया है, उसमें गड़बड़ी होने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वायरस आने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी अपन ने मैंने कल ही टेलीविज़न में देखा कि एक साइबर क्राइम्स किस तरह हो रहे हैं, उसने साइबर पर अपने आप को ख़त्म कर दिया एक व्यक्ति ने, और इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स जो आ रही हैं कंप्यूटर्स पर वो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रही हैं, लेकिन हम तो भाषा तक सीमित हैं और उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली टाइपराइटर की तरह आसान नहीं है, इसमें तो व्यवस्थित और प्रामाणिक जानकारी के लिए निर्देश दिए जाते हैं, इसमें कई आंकड़े होते हैं और एक स्मृति रैम के रूप में एक ऐसी अलमारी का रूप हो जाता है जिसमें अनेक खाने बने होते हैं और प्रत्येक खाने में क्रमांक भी होता है। अभिप्राय यहाँ कंप्यूटर प्रणाली को समझाना नहीं है, केवल इतना ही है कि राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वालों को कंप्यूटर के इस प्रोग्राम को समझना जरूरी है, जिससे कि हिंदी में कार्य करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। कंप्यूटर इतनी आवश्यक मशीन हो गई है कि सूचनाओं का विश्लेषण और उसकी गणना बड़ी तेज़ी से कर लेती है। जिस काम को करने में मनुष्य को कई घंटे लग सकते हैं उन्हें कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में पूरा कर देता है। अतः आधुनिक युग में अमेरिका और यूरोप में तो सारा काम कंप्यूटर से होने लगा है। यह कहा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर एक सेकंड में 1,00,000 अनुदेशों का पालन कर लेता है और एक लेजर डिस्क में तो 4 करोड़ शब्द संग्रहित हो जाते हैं। कंप्यूटर में उच्च क्षमता वाले ठोस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग इसे विश्वसनीय बना देता है। कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता इनपुट और आउटपुट युक्तियों से डाटा का आदान प्रदान करता है, सूचना का आंतरिक स्थानांतरण हो जाता है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया को स्वचालित कहा गया है। एक बार प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो गया तो फिर इनपुट की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोग्राम के अंत तक कार्यान्वित होता रहता है। कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी उत्पन्न की जा सकती है, आजकल की जाने लगी है, यहाँ तक कि कंप्यूटर में संवेदनात्मकता भी आने लगी है, और इस तरह से बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। अभी वो आविष्कार की ही प्रक्रिया में हैं और उनका स्वरूप सामने नहीं आया है। जब सामने आएगा तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ जाएगी, वैसे हो भी गई है कि जहाँ स्पर्श से भी बहुत सारे शब्द उस पर हम पटल पर देख लेते हैं, उनको स्क्रीन पर देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और सामान्यतः जब तक इसके हार्डवेयर पर अधिक भार न पड़े तब तक इसमें कोई खराबी नहीं आती। कंप्यूटर के कारण मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी। मैंने वो समय देखा कि जब फॉन्ट लगाते थे मशीनों, और फॉन्ट लगा लगा करके वो गलत को सही करने के लिए फिर फॉन्ट निकालते थे फिर लगाते। अब कंप्यूटर आ गया, कुछ नहीं है, कंप्यूटर पर आप टाइप कर दीजिए, बहुत आसान हो गई प्रिंटिंग, मुद्रण आसान हो गया, गलती आती तो वहीं कंप्यूटर में मिटाकर वहीं उसको हम ठीक कर देते हैं, ये सबसे आप परिचित हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और उसके बाद वो प्लेट बन जाती है उसकी और प्रकाशन हो जाता है। इस तरह मुद्रण में एक बहुत बड़ी क्रांति कंप्यूटर ने कर दी है और पुस्तकों का प्रकाशन
आसान हो गया है। कंप्यूटर की विकास यात्रा 50 साल से कुछ ही अधिक समय की है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, 1950 और उसके आसपास से ही ये चला होगा, और इतनी अधिक प्रगति हो गई है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। 1946 से 56 के बीच वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार इसे आगे बढ़ाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर कंप्यूटर की सहायता से ही परमाणु बम गिराए गए थे। और अब तो टाफलर ने एक किताब लिख दी है वार एंड एंटी वार, उसमें तो ये कहा गया है कि कोई मिसाइल आएगी तो रिमोट दबा करके उसे नष्ट कर दिया जाए। इतना अधिक आगे बढ़ गया है सब कुछ इतना, लेकिन उसमें भी शब्द तो रहेंगे, और बहुत ही अच्छा दिन होगा वो जबकि रोमन की जगह नागरी शब्द उसमें आप हम लोग ले आएँ, ये भी संभव है। निरंतर इसका विकास होता गया और कई तरह के कंप्यूटर बनाए गए, पर 1952 में IBM कंपनी ने कंप्यूटर मॉडल 701 बनाया। तब से तो लगातार इनका विकास होता ही रहा। सन 56 से 64 के बीच कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का भी प्रयोग हुआ, और जॉन बर्डिंग, वाल्टर ब्राटन और विलियम शक्ले ने अपनी प्रयोगशाला बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। बहुत दुख की बात है कि हिंदी की कीबोर्ड वाला कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो पाया। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि बिल गेट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कहा कि नागरी में हार्डवेयर यानी कीबोर्ड कंप्यूटर बनना चाहिए, और इसके लिए भारत में आकर कोशिश की गई। इसके लिए देहरादून में एक केंद्र भी स्थापित किया गया, लेकिन यह काम नहीं हुआ। अब संभवतः है बिल गेट्स ही अमेरिका में भारतीयों की सहायता से हिंदी में इनबिल्ट कंप्यूटर के या कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए कोशिश में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि इस 1 अरब के देश में अगर ये कंप्यूटर्स कीबोर्ड बन जाते हैं हिंदी के, उसका विस्तार होता है तो व्यापार की दृष्टि से ये बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। 1985 से जो कंप्यूटर बन रहे हैं वे अत्यंत विकसित हैं। अक्टूबर 1981 में 14 देशों के 300 कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने जापान की एक संगोष्ठी में कंप्यूटर के विकास के सभी रूपों पर विचार किया, और संभवतः भविष्य के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की बजाय फोटॉन पर आधारित होंगे, जिसकी गति इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक होती है। अब भारत में भी कंप्यूटर बनते हैं और इनका प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। हिंदी में सॉफ्टवेयर की दृष्टि से बहुत विकास हुआ है, पर हार्डवेयर के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेट, जिसे हिंदी में अंतरजाल कहा जा सकता है, फिर भी हम इंटरनेट शब्द का ही प्रयोग करेंगे, यह एक ऐसा कोश है जो हर क्षेत्र के समाचार उपलब्ध कराता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस पर अपनी जानकारी देते हैं, और विज्ञापन का भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इंटरनेट को एक ऐसा नेटवर्क कहा गया है जो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट की विभिन्न साइटों का एक खास पता होता है www.com। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसे DNS, डोमेन नेम सर्वर या क्षेत्र नाम प्रणाली भी कहा जाता है, जो सूचनाओं का अथाह स्रोत है। इंटरनेट ने विश्व समुदाय की परिकल्पना को साकार कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसका बहुत इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि निर्यातकों और छोटे कारोबारियों को भी इंटरनेट से काफ़ी फायदा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी विषयों की जानकारी भी इससे मिल जाती है, और हम क्षेत्र विशेष की संस्कृति और परंपरा और लोगों के बारे में जान सकते हैं और उनसे ईमेल से संपर्क भी कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की भी बहुत सी जानकारी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उन पर समाधान भी उसके दिए हुए हैं। इस तरह इंटरनेट बहुत व्यापक हो गया है, और वास्तव में ये एक संवाद का आधार भी बन गया है। इंटरनेट ज्ञान संपदा और हर तरह की वो संपदा जो मनुष्य के व्यवहार में आती है, मनुष्य की संवेदना में आती है, उसके संप्रेषण का एक बहुत ही व्यक्तिगत और अनौपचारिक माध्यम बन गया है। इंटरनेट के लगातार प्रभाव से अब यह भी कहा जाता है कि टेलीविज़न और अन्य संचार माध्यमों को भी वह इसलिए समाप्त कर सकता है कि उन संचार माध्यमों से जो सेवाएँ मिलती हैं वो नेट से मिल जाती हैं। पर इस कथन को हम बहुत अतिवादी मानेंगे, क्योंकि रेडियो के आने से न तो अखबार ख़त्म हुए, न टेलीविज़न के आने से रेडियो ख़त्म हुआ, और इसलिए इंटरनेट के आने से टेलीविज़न भी ख़त्म नहीं होगा। फिर भी इंटरनेट संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है, और आज टेलीविज़न से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेट के इस्तेमाल में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें एक शब्द है ब्राउज़र, जिसे अंग्रेजी में ब्राउजिंग कहते हैं।
यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। विंडोज़ आ गई हैं, वेब ब्राउज़र की तेज़ी से वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ है। घर बैठकर इंटरनेट से जुड़ना इसके बिना संभव नहीं है। इसी तरह इंटरनेट कंप्यूटर के लिए मॉडेम भी ज़रूरी है। यह आयताकार बॉक्सनुमा होता है। इंटरनेट का एक एक्सप्लोरर भी होता है जो किसी एड्रेस बार से जुड़ा रहता है। नेटस्केप का भी व्यापक महत्व है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। कंप्यूटर को ऑन करने पर विंडोज़ लोड होने लगती है। कोई भी वेबसाइट इसी के माध्यम से चैनल से जुड़ जाती है। सर्वर भी होता है। इस तरह कंप्यूटर की सारी प्रक्रिया काम करती है। अब सवाल यह है कि अगर आपको ईमेल करना है हिंदी में भी तो आप रोमन लिपि का सहारा लेते हैं। अच्छा हो कि वो नागरी लिपि के माध्यम से हो, और इसलिए बहुत से पोर्टल बन गए हैं जिसका हम अभी उल्लेख करने वाले हैं। वेब पब्लिशिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामर इसका प्रयोग करते हैं। वेब पेज बनाने की भी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कंप्यूटर की इन सारी प्रक्रियाओं को समझने के बाद ही किसी भी भाषा का कंप्यूटर पर प्रयोग किया जा सकता है। पहले आपको भारतीय भाषाओं का प्रयोग भी करना हो पर ये सारी प्रक्रिया समझना ज़रूरी है। इसी कारण कंप्यूटर में रोमन लिपि का ही प्रयोग उसके हार्डवेयर में मिलता है। अन्य लिपियों का उसमें प्रयोग केवल सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, और इसलिए हमारे यहाँ भी कंप्यूटर का प्रयोग रोमन में अधिक होने लगा है। नागरी में अभी भी हम कंप्यूटर का प्रयोग बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। वैज्ञानिक और सरकार कोशिश करें तो नागरी कीबोर्ड बना सकते हैं, और इस कीबोर्ड के माध्यम से हिंदी ही नहीं भारत की दूसरी भाषाएं भी अपना प्रयोग कर सकती हैं। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप नागरी में भी लिखेंगे तो तमिल को तमिल भाषा ही कहा जाएगा, तेलुगु को तेलुगु भाषा ही कहा जाएगा, कन्नड़ को कन्नड़ भाषा कहा जाएगा, गुजराती गुजराती भाषा कहा जाएगा, और मराठी तो नागरी में लिखी जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर नागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तो भाषाओं पर कोई प्रभाव गिरेगा। इसलिए नहीं गिरेगा कि अगर अंग्रेजी और जर्मन एक ही लिपि में लिखी जाती हैं तो उससे क्या अंतर पड़ता है। जर्मन जर्मन रहेगी और अंग्रेजी अंग्रेजी रहेगी। तो इस तरह से हमें इस ओर दिशा में काम करना है। भाषा तो हिंदी होती है पर उसकी लिपि नागरी हो, ये भेजना ये बहुत आवश्यक है, और नागरी में ही हम मेल कर सकें और दूसरे कंप्यूटर पर जा सके, इसकी सुविधाएं करना आवश्यक है। तभी उच्च शिक्षा में और प्रशासन में हम हिंदी में कंप्यूटर का अधिक प्रयोग कर पाएंगे। इन सब बाधाओं के बीच भी हिंदी में अनेक इंटरनेट पोर्टल उपलब्ध हो गए हैं। अब साइबर जर्नलिज्म बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हिंदी की वेबसाइटें बहुत आ गई हैं धीरे धीरे। अब सबसे पहले वेब दुनिया के नाम से इंदौर को इसका श्रेय मिला, जिसमें हिंदी का पहला समाचार पोर्टल आरंभ हुआ, और अब धीरे धीरे पोर्टल का नेट जाल बढ़ता जा रहा है। हिंदी समाचार पत्रों में दैनिक जागरण की वेबसाइट jagran.com मिलती है, नई दुनिया, भास्कर, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे, आउटलुक, सबके न्यूज़ पोर्टल आ गए हैं। इसके अलावा अमर उजाला है, सहारा है, और BBC की हिंदी सेवा की वेबसाइट भी उपलब्ध हो गई है। अब हिंदी अखबारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, अनेक समाचार पत्र अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं। साहित्य की वेबसाइट भी literateworld.com उपलब्ध हो गई है, और ज़रूरी है कि साहित्यकारों पर भी ये वेबसाइट्स बने, और जो हिंदी और भारतीय भाषा में जो साहित्य है वो भी उसी तरह हमें कंप्यूटर इंटरनेट पर उपलब्ध हो जैसे कि विदेशी भाषाओं का हमें उपलब्ध होता है। अब ई अखबार भी बहुत बढ़ रहे हैं, जिनका विचार अखबार की भाषा में संदर्भ के रूप में होता है। वस्तुतः हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज नागरी कंप्यूटर के प्रयोग में लाया जाता है। IIT कानपुर ने भारतीय भाषाओं के प्रयोग में लाया जाने वाला पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल 1978 में तैयार किया था, और अब तो देवनागरी कंप्यूटर आ गया है जिसने मुद्रण, प्रकाशन और संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। इस दृष्टि से विदेशों में भी हमारी भारतीय भाषाओं पर कंप्यूटर के संदर्भ में काम हो रहा है। अब तो द्विभाषी कंप्यूटर इस देश में ज़रूरी हो गया है, और इसलिए ज़रूरी है कि अगर कीबोर्ड रोमन और नागरी दोनों का हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों का हो, तो बहुत लाभदायक होगा। हमारे यहाँ सिद्धार्थ नामक पहला द्विभाषी कंप्यूटर बना जिसमें हिंदी का भी प्रयोग हो सकता था और तमिल का भी हुआ। IIT कानपुर ने अंग्रेजी हिंदी कंप्यूटर तैयार किया, वह अधिक विकसित है। उसमें रोमन लिपि के अक्षरों को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से दृश्य पटल पर अंकित करने की सुविधा है। इसके अक्षर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अब तो त्रिभाषिक कंप्यूटर बना लिए गए हैं जिसमें अंग्रेजी हिंदी के साथ एक भारतीय भाषा की सुविधा भी है। शब्दमाला नामक अंग्रेजी हिंदी शब्द संसाधक वर्ड प्रोसेसर भी तैयार कर लिया गया है। हिंदी ट्रान मुंबई ने आलेख नामक ऐसा संसाधक बनाया है जिसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ मराठी भी मिल जाती है, क्योंकि मराठी की लिपि भी नागरी है। अंत में हम यही कह सकते हैं,
कि हिंदी सॉफ्टवेयर को मानक के रूप में विकसित करते हुए एक समान कीबोर्ड ही अगर अलग अलग संस्थाएं बनाएं तो किसी के यहाँ से भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो, उसमें कीबोर्ड की भिन्नता नहीं होगी। अभी होता क्या, कृतिदेव पर काम किया तो शिलिपि में नहीं जाता, शिलिपि में किया कृतिदेव में नहीं जाता, कंप्यूटर पर टाइप करवा लिया है तो वो काम का नहीं होता है, उससे अगर आप CD बनाकर भेजें तो दूसरे कंप्यूटर पर खुलती नहीं है, और इस तरह से उसको फिर कंपोज करवाना पड़ता है और कंप्यूटर केवल एक टाइपराइटर की तरह रह जाता है। सॉफ्टवेयर में भी हिंदी का जो कीबोर्ड है उसका भी मानकीकरण होना चाहिए, और संस्था कोई भी बनाए, उसका उत्पादन कोई भी संस्था करे, लेकिन उसका कीबोर्ड समान होना चाहिए। इस दिशा में भी बहुत अधिक काम होना है, क्योंकि हमारे सबके कीबोर्ड अलग अलग हैं और इससे बहुत बड़ी समस्याएं अभी सामने आ रही हैं, और इसी कारण हिंदी का बहुत अधिक प्रयोग कंप्यूटर में नहीं बढ़ पा रहा। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसे बदलना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार को और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, हिंदी लिपि के कीबोर्ड बनाने वाले लोगों को मिलकर एक मानक कीबोर्ड को स्वीकृत करना चाहिए, और नियम होना चाहिए कि उस कीबोर्ड को ही प्रयोग में लाया जाएगा जिसका उपभोक्ता प्रयोग करें, और उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अतः हिंदी कंप्यूटर के क्षेत्र में काम न होने के कारण बहुत सारी असुविधाएं हैं जिससे लोग काम नहीं कर पाते, इन्हें बढ़ाना होगा, और इस दिशा में युवा पीढ़ी के रूप में आपको भी सोचना होगा कि आप अपनी ही भाषा का अर्थ है अपनी ही लिपि में किस प्रकार काम कर सकें, और अपनी भाषा अपनी ही लिपि में लिखी जाए तभी सार्थकता है, और इस अर्थ में हिंदी को लेकर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं अभी हैं, उनका विकास भी हुआ है, और इन संभावनाओं पर हमें काम करना है।